झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं स्वागत करता हूं आपका चैनल म्यूजिक वाले पर। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे मांग की थी कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने पसंदीदा गानों की लिस्ट मुझे भेजें जिसके ट्यूटोरियल्स आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। उसी लिस्ट में से पहली एक गज़ल लेके मैं आया हूं, जो है झुकी झुकी सी नज़र। आप सभी की सुनी हुई होगी, बहुत ही पॉपुलर गज़ल है, बहुत ही खूबसूरती से गाई हुई है जगजीत सिंह द्वारा। तो देखते हैं कि ये गज़ल किस तरह से चलती है। ये गज़ल मैं ले रहा हूँ सी शार्प स्केल पर, जिसको पहली काली भी बोलते हैं। आप मुझे फॉलो कीजिएगा, जब सारी चीज़ें आप समझ जाएं उसके बाद आप ये अपने कंफर्टेबल स्केल पे गा सकते हैं। तो देखते हैं ये गज़ल कैसे चलती है। झुकी झुकी सी नजर सागा मर सानी दानी निसा बे रे पापा रे गारे रे। अब आएगी अगली लाइन जो कि रिपीट होगी झुकी झुकी सी नजर वाली लाइन की। दबा दबा सा सही सागा मारे सानी दानी निसा दिल में प्यार है नहीं। अब देखिए इसमें चेंज आ गया। दिल में प्यार है नहीं, और स्लो करके देखते हैं। दिल में प्यार है नहीं रे पापा रे पापा पधनी धपमा गारे गारे रे। झुकी झुकी सी नजर सागा मारे सानी धपनी निसा। दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि आपको फील पकड़ के रखनी है। फील क्या है, देखिए सुरों को हम अलग अलग नोट टू नोट जब गाएंगे, और एक तरीका है उनको जोड़ के सही तरीके से गाना। इसको हम ऐसे भी गा सकते थे, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है। इस सुर तो ठीक है, सुर गलत नहीं है, लेकिन वो भाव ही पैदा नहीं होगा जब तक आप सही से जोड़ना नहीं सीखेंगे सुरों को। तो फील का जो पहला पार्ट है वो समझिए यही है कि आप सही से सुरों को जोड़ना सीख जाएंगे तब फील आना स्टार्ट होगा गजल में। और वही ये छोटी छोटी चीजें ही आपको प्रोफेशनल लेवल और एक जो बिगिनर लेवल है उसमें डिफरेंशिएट करवाती हैं। जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो इन्हीं चीजों की वजह से है, क्योंकि नोट तो बिगिनर लेवल को भी पता लग जाता है कि क्या क्या नोट बज रहा है। तो ये जो चीजें हैं इन पे बड़ा ध्यान देना है आपको। एक बार और देखते हैं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार दबा दबा, ये देखिए छोटी सी चीजें हैं, दबा दबा बा सही दिल में प्यार है कि नहीं झुकी झुकी सी नजर। गजल गाते वक्त ठहराव की बहुत जरूरत होती है। जब तक ठहराव नहीं आएगा आप वो जो लिरिक्स क्या कह रहे हैं वो भाव पैदा ही नहीं होगा। इसीलिए बहुत ही प्यार से ये सोच के कि ये जो लिखा हुआ है लिरिक्स जो भी है वो आपके दिल से आ रहे हैं, वो आपके ही अंदर से इजाद हुए हैं, ना कि किसी और ने लिखे हैं, ऐसा सोच के जब आप गाएंगे तो देखिएगा कितना डिफरेंस आएगा।
और मैं आपको एक राय और देना चाहूंगा कि जब भी आप गाने का रियाज करें और आपको लगे कि हाँ थोड़ा तैयार हो गया गाना, तो एक बार रिकॉर्ड करके जरूर देखें अपना गाना और फिर मिला के देखें अपने टीचर के गाए हुए बताए हुए तरीके से, या उनका अगर रिकॉर्डेड है या जो भी है, या तो ओरिजिनल आप गजल से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई डिफरेंस दिख रहा है, फिर आप सोचने पे मजबूर होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे मैं ध्यान दूँ तो और अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका अंतरा कैसे जाता है। एक बार और देखते हैं। तू अपने दिल के जवान धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल के जवान धड़कनों को गिन गिन के बता। देखिए ये फिर से लाइन जो है वो रिपीट हो गई, झुकी झुकी सी नजर वाली जो हमारी पहली लाइन थी वही है ये। मेरी तरह तेरा दिल सागमारे सानी दानी मीसा बेकरार है कि नहीं रे पापा सागमारे सानी दानी नीसा दिल में प्यार है कि नहीं रे पापा पापा गारे गारे झुकी झुकी सी नजर सागमारे सानी दानी नीसा झुकी